A very good evening, students. Let's continue with the light chapter. We are doing a topic types of reflection. So first of all, what is a reflection? It is a process of returning or bouncing back of the light to the same medium after striking a surface. ठीक, किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करके जब लाइट वापस आएगी उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन. तो जो सरफेस यानी अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टर. नाउ जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. ठीक है, तो सिल्वर की रिफ्लेक्टेंस आपकी 95% होती है. अब यहाँ पे टू टाइप्स की रिफ्लेक्शन होती है, एक तो होती है रेगुलर, एक होती है डिफ्यूज. रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जैसे कि व्हेन अ पैलर बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस then the reflected surface, then the reflected beam of light is pallor. तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन. जैसे कि हम अपनी मिरर में इमेज देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ स्मूथ, हमें प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिख रही है, उसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन. और वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये मिरर है आपका, तो ये बहुत ही स्मूथ रिफ्लेक्शन होती है. यानी कि इस केस में एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होएगा इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होएगा. तो इस केस ये आपकी स्मूथ रिफ्लेक्शन है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन. और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है कि जब पैलर बीम ऑफ लाइट किसी भी किसी रफ सरफेस के ऊपर फॉल होएगी, तब जो रिफ्लेक्टेड लाइट निकलेगी वो पैलर नहीं होगी, यानी कि वो इरेगुलर होगी. लाइक दिस, जैसे कि कोई भी ये आपका रफ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट गई, इंसिडेंट लाइट, तो यू कैन सी इसमें और इस केस में बहुत फर्क है. इसमें पैलर थी, इसमें इरेगुलर है. सो दीज आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अब इमेज. नाउ व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लुकिंग मिरर, वी सी आवर फेस. So the picture of our face in the mirror is known as the image of our face. तो दो टाइप की इमेज होती है, एक तो होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज. रियल इमेज होती है when a beam of light from an object actually meets at a point after reflection, जब यानी कि एक beam of light एक point पे आके meet करेगी तो उसको बोलते हैं रियल इमेज. और जब beam of light डिफ्रैक्ट हो जाएगी यानी कि स्कैटर हो जाएगी उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज. तो जो रियल इमेज होती है दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि एक बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके मिलेगी उसको बोलते हैं रियल इमेज. और वर्चुअल में जो बीम ऑफ लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट वो हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाएगी या फिर आप इसको स्कैटर भी कह सकते हो, दैट इज अ वर्चुअल इमेज. अब जो इमेज हमें हमारी मिरर में दिख रही है दैट इज अ वर्चुअल इमेज. सो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन व्हाइल रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. रियल इमेज व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, एंड वर्चुअल व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट. इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर and it is formed in form behind the mirror, always inverted, always erect. Inverted का मतलब क्या होता है कि उल्टी इमेज, ठीक है, और erect का मतलब upright. Upright मतलब कि left का right, right का left. Now we can see कि कैसे जो इमेज फॉर्म होती है इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर. ओके, देखो अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जब लाइट ऑब्जेक्ट की फॉल हुई, इंसिडेंट रे, और एक यहां पे हुई फॉल, ठीक है. सो अब जब ये रिफ्लेक्ट होएगी, यानी कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इसने एंगल आई बनाया और यहां पे एंगल आर बना, बोथ आर इक्वल. अब यहां से ऑब्जेक्ट ने लाइट फॉल हुई नॉर्मल के ऊपर, एंगल आया और यहीं से गया एंगल आर. अब जो ये स्पोर्ट्स इजर आए, ठीक है, और ये हमें जो इमेज है ये कहां पे दिखेगी,
ये एक पॉइंट पे आके मीट करेगी जो कि बिहाइंड द मिरर होगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर. सो इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, जहाँ पे वो ये एक इमेजिनरी हमने लाइन ड्रॉ करी है जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो इमेज है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर टू बी ऑन द राइट. जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े हैं, इफ वी लिफ्ट आवर राइट हैंड तो ऐसा लगता है कि हम मिरर में इमेज देखेंगे, तो इट फील लाइक कि हम अपना लेफ्ट हैंड हमने रेज किया है. ठीक है, तो राइट साइड बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड बिकम राइट. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन. ये आपने एम्बुलेंस में भी देखा होता है कि जो एम्बुलेंस के ऊपर जो लेटर्स लिखे होते हैं दे आर इन्वर्टेड. ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड. और जैसे वो हमें अपने रियर व्यू मिरर के अंदर दिखते हैं वो एकदम करेक्ट हो जाते हैं, करेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ लेटरल इन्वर्जन. नाउ लेट्स डू सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. सो कुछ टर्म्स हैं लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, पोल, अपैचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इट इज अ हॉलो स्फीयर. जैसे कि ये एक हॉलो स्फीयर है. ठीक है, इट्स अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द कर्व ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी जो इसका जो सेंटर होगा, हेयर इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट है आपका रेडियस. रेडियस होता है द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल. अब जो रेडियस होता है वो होता है इस सेंटर और पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. ये आपका होता है पीपी यानी कि पोल. सो द पोल, इट इज द पोल क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. लाइक दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है. ये साइड कॉनकेव है और इसकी ये वाली साइड कॉन्वेक्स है. तो कॉनकेव जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम पोल. प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, यहां से एक लाइन जा रही है सेंटर से और पोल को ज्वाइन कर रही है, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. एक होता है प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस होता है इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. यानी कि जैसे कि रे ऑफ लाइट्स आती है और जो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती है उसको बोलते हैं हम फोकस पॉइंट. वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ होता है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. जो भी पोल और प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस होगा दैट इज अ फोकल लेंथ. ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा होता है. कॉन्वेक्स के केस में ये पोल होएगा, ठीक है, ये सेंटर होएगा और इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा. नाउ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव. कॉनकेव मिरर का होता है रियल फोकस. रियल फोकस का मतलब होता है कि जो उसका जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो इट हैज अ रियल फोकस. एंड कॉन्वेक्स का होता है वर्चुअल फोकस. वर्चुअल फोकस क्यों? बिकॉज द इमेज फॉर्म एट बिहाइंड द मिरर. क्योंकि वो पॉइंट मिलेगा नहीं एक पॉइंट, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट होती है वो मिलती नहीं एक पॉइंट पे आके. और रियल फोकस इसलिए कहते हैं कॉनकेव क्योंकि जो रे ऑफ लाइट होती है दैट विल मीट एट वन पॉइंट. अब ये देखो जो कॉनकेव मिरर है, सपोज इज अ कॉनकेव मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर. ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है और जो ये सेंटर है ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये सारी लाइट कहाँ पे आके, जो सारी जो ये रे ऑफ लाइट है ये कहाँ पे आके मीट करती है, एक पॉइंट पे आके मीट करती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज नेम्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस. सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है. अब ये लाइट, इंसिडेंट लाइट गई रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, यहाँ से गई रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे. ठीक है, तो नाउ वी कैन सी कि जितनी भी रे ऑफ लाइट थी प्रिंसिपल एक्सिस पे आके एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके मीट हो रही है और उस पॉइंट को बोल देंगे हम फोकस. और जो फोकस और जो पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं FL. FL यानी कि फोकल लेंथ. सो दिस इज अ
फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर. अब कॉन्वेक्स का केस भी हम देख लेते हैं. अब कॉन्वेक्स के केस में सपोज एक ये पैलर बीम ऑफ लाइट जा, पैलर रे ऑफ लाइट जा रही है यहां से एंड दीज आर नोन एज अ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, ये सारी इंसिडेंट लाइट जा रही है. अब ये क्या करेंगी, अपने पाथ से ये स्ट्रेट है तो यहीं से ही आ जाएंगी. अब अगर हम इसका इमेजिनरी पॉइंट देखते हैं दैट वुड बी समवेयर हियर, तो उसको बोलेंगे हम फोकस. तो ये काम बनेगा बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब इसका वर्चुअल फोकस होएगा. और ये था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब इसका रियल फोकस होएगा. और बिहाइंड द मिरर इट मीन्स कॉन्वेक्स हैज अ वर्चुअल फोकस. ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस. अब जो यहाँ पे हम क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर यहां से लेके यहां तक रेडियस है तो फोकस उसका हमेशा हाफ होएगा. यानी कि फोकस फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. इधर वो कॉन्वेक्स है और वो कॉन्केव है. द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. और हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू टू एफ और एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू. अब सपोज हमें एक क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ. अगर आप रेडियस 20 सेंटीमीटर तो फोकल क्या हो जाएगी 20 का हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ रे डायग्राम, रे डायग्राम करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं रे डायग्राम के, कि क्या क्या रूल्स होते हैं कॉन्केव मिरर के अगर हमें कोई भी इमेज ऑब्टेन करनी है. तो रूल नंबर वन है कि इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. यानी कि एक रे ऑफ लाइट है, सपोज ये हमारा कॉन्केव मिरर है. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. यू नीड टू ड्रॉ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट विच इज पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर है. ये आपकी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर है और वो कहां से पास होगी, इट वुड पास फ्रॉम द फोकस. ठीक है, द रे ऑफ लाइट विच इज पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस. सो दिस इज द रूल नंबर वन. सेकेंड रूल है आपका रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी ऑफ अ कॉन्केव मिरर, सी इज द कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. जब भी कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास होएगी तो वो क्या करेगी, कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट होएगी. पोल फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके कर्वेचर से ही वापस जाएगी. ठीक है, यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कर्वेचर से पास होएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रिफ्लेक्ट बैक होके कर्वेचर से ही वापस वो जाएगी. नेक्स्ट है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर बिकम्स पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट केस में हमने कहा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर है तो फोकस से पास होगी. अब इस केस में कह रहे हैं कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास हो रही तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर हो जाएगी. पोल फोकस कर्वेचर, सपोज दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग फ्रॉम थ्रू द फोकस. ठीक है, फोकस से पास हो रही है, वी कैन इजिली सी हियर फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर बन जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका
इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सेस. लाइक ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सेस है पोल फोकस. अगर एक रे ऑफ लाइट पोल से टकरा रही है, पोल के पास जा रही है, इंसिडेंट है, तो वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. सो दीज आर द फोर रूल्स विच वुड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑब्टेन बाय द कनकेव मिरर. सो आपके चारों के चारों जो ये लर्न रखने हैं, फर्स्ट था कि जो रे ऑफ लाइट अगर पैलर है प्रिंसिपल एक्सिस की तो फोकस से पास होएगी, अगर रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट हुए कर्वेचर से ही पास होएगी, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर हो जाएगी, अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पे इंक्लाइंड हो रही है तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि मेकिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. सो टिल देन वॉच दीज रूल्स, अगर कोई भी डाउट है देन जस्ट व्हाट्सएप मी. ठीक है.